I grew my DYDX portfolio from $400 to $2,500. <laughs> वो भी केवल फ्यूचर स्ट्रेट करके एंड इवन वो फ्यूचर स्ट्रेट भी मैंने जो है सारे के सारे 2x एक्स लेवरेज के नीचे करे थे सो so, ये कैसे किया मैंने हाउ डिड आई ग्रू इट बाई सिक्स एक्स इन लेस देन सेवन मंथ्स वही स्ट्रेटेजी जो है मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा इट विल बी अ डीप डाइव एंड ये उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक्स ऑफ टी ए आता है जिनको बेसिक चार्ट पढ़ना आता है एंड जिनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि लोगों के पास जॉब भी होती है कि वो पूरे दिन मार्केट में लगे रहे चौबीस घंटे देख रहे तो अगर आप एक पैसिव ट्रेडर हो आप पैसिवली इन क्रिप्टो हो बट आपको बेसिक्स ऑफ टी आता है तो मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने पब्लिकली विध प्रूफ करके दिखाया है सबको यू डू डू नॉट नीड हाई 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 टू इट किसके लिए होती है इज फॉर एक्सचेंजेस एंड इन्फ्लूसर एंड ट्रेडिंग ग्रुप हाई लेवरेज दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हाई लेवरेज में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा आती है एंड ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पे एक्सचेंजेस आपको अफिलियट कमीशन ज्यादा देते हैं तो अगर मैं आपको ट्वेंटी एक्स लेवरेज पे ट्रेड करने के लिए बोलूं तो मेरा ज्यादा फायदा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो विदाउट लूजिंग इट इन लिक्विडेशन तो अपना लेवरेज कम रखो एंड ये प्रूफ करने के लिए मैंने कम लेवरेज से ये चैलेंज किया था leverage से करता तो ज्यादा प्रॉफिट भी हम यहाँ पे बना सकते थे लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे एंड लेवरेज टू के नीचे रखोगे तो आई एम ब्रिटिश श्योर यू विल बी एबल टू विलू इट सो वीडियो पूरी देखना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट एंड अगर आपको टीए का बेसिक्स नहीं आता यू कैन लर्न इट फ्रॉम टूब और यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम माई कोर्स जो कि क्रिप्टो के लिए थोड़ा टेलर्ड है यूट्यूब पे आपको स्टॉक से रिलेटेड ज्यादा मिलेगा बट इफ यू कैन

अभी स्क्रीन शॉट ही है लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी वर एबल टू हिट दैट ट्वेंटी इससे पहले भी वी वर एट दिसंबर में तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो जो है ग्रो हो रहा है ये है पूरा थ्री मंथ्स यहाँ पे हम कुछ एट हंड्रेड डॉलर्स पे थे एंड इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट्स हैं तो ये प्रोफाइल है मेरी दिस इज दी वॉलेट एड्रेस एंड आप कॉम्पिटिशन वाले टैब में जाके डी वाई डी एक्स के स्क्रोल डाउन करोगे तो यू कैन फाइंड मी एट दिस पोजिशन वन फोर्टी थ्री करेंटली एंड क्रिप्टो जार्गन आपको नाम दिख जाएगा एंड उसके साथ आपको परसेंटेज प्रॉफिट फॉर दैट वीक दिख जाएगा तो अभी वन वीक का थर्टी थ्री परसेंट है थर्टी डेज का देखें तो इट्स सेवेंटी फोर परसेंट तो ये तो हो गए सारे के सारे प्रूफ इसके अलावा ऑर्डर हिस्ट्री किसी को देखनी है तो दे कैन पॉज एंड कम्पेयर की ऑर्डर हिस्ट्री रियल है या गलत है सब कुछ हमने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है अब स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग आप दो, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है तो किस तरीके से ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क करती है तो मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं तो अगर आपको न्यूटन का लॉ याद होगा तो उसमें इनर्शिया का एक लॉ होता है दैट इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन तो इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन दैट मोशन अनलेस उसको एक अलग फोर्स लगता है तो सेम चीज़ हम जो है मार्केट में यूज़ करते हैं इफ़ अ स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड या फिर अ क्रिप्टो इज़ इन अप ट्रेंड इट विल स्टे इन दैट ट्रेंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास आता है या तो कोई ऐसी बुरी न्यूज़ आती है जो कि इसको यूँ मोड़ देती है या फिर कोई स्टॉक में प्रॉब्लम होती है या कंप्लीट जो पूरा मार्केट है वो डाउन टर्न में होता है तो ये स्टॉक फिर मुड़ जाता है तो ये दो रीज़न यूजुअली होते हैं कोई स्टॉक रिलेटेड बैड न्यूज़ या फिर कोई पूरे ओवरऑल मार्केट की बैड न्यूज़ सेम आप क्रिप्टो में देखते हो बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो ऑल्ट कोइंस नीचे आ जाते हैं या फिर किसी ऑल्ट कोइन में कोई हैक हो जाता है तब तो वो नीचे आ जाता है दो ही रीज़न से मार्केट यूजअली गिरता है दिस इज दी मेन रूल इसके अलावा जब भी कोई चीज़ रुकती है तो ऐसे अगर आपकी कोई बस जा रही है तो फिर वो बस बस अगर इस स्पीड से जा रही है तो ऐसे नहीं रुकेगी बस विल स्लो डाउन फर्स्ट एंड देन स्टॉप राइट ऐसा तो नहीं होता है कि अचानक से ही रुक जाता है तो तो फिर सेम चीज़ हम मार्केट में देख सकते हैं कि हमें ऐसा बहुत कम दिखेगा कि हम सीधा गिर गए एंड फिर हमने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया यूजुअली क्या होता है कि हमारा स्टॉक जो है एग्जॉसन वाले पैटर्न बिल्ड करता है एंड देन वी सी इट गोइंग डाउन ठीक है ये आप लाइव देख सकते हो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे क्लोज एवरी एंड फिर हम इसको वीकली में शिफ्ट करते हैं तो आपको दिख जाएगा दैट यहाँ पे जो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ जब हमने नया फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स गए थे तो यहाँ पे भी एक एग्जॉशन पैटर्न हमारे जो मार्केट है उसने दिखाया था ऐसा नहीं था कि मार्केट सीधा इस तरीके से गिर गया पहले उसने एक एक्जॉशन पैटर्न बनाया देन इट वेंट डाउन सिमिलरली जब मार्केट स्टार्ट हो रहा होता है वापस ऊपर जा रहा होता है तब भी हमें बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं राइट कप एंड हैंडल आपको देखने को मिलता है डबल बॉटम आपको देखने को मिलता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स आपको देखने को मिलता है सिमिलरली ये दोनों साइड पर होता है अब आप ये समझ गए इसके इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं वो है स्टेज एनालिसिस तो मार्केट कौन सी स्टेज पे है उस पर हाईली डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग करने वाले हो या शॉर्ट करने वाले हो तो करंटली मार्केट क्या है मार्केट अप ट्रेंड पे है एंड अप ट्रेंड की स्टेज में जब होता है तो यू विल लुक फॉर लॉंग्स आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओगे उसका रीजन क्या है दैट आपको लॉन्ग में सबसे कम रिस्क होगा एंड प्रॉफिट के चांसेस हाई होंगे तो यू आर ऑलरेडी प्लेइंग इन द मार्केट जो कि बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर आपको जितनी एडवांटेज मिल सके उतनी एडवांटेज लो तो स्टेज एनालाइज करो अगर आपका स्टॉक या फिर आपका क्रिप्टो जो है स्टेज टू में है देन यू विल भी लुकिंग फॉर लॉन्ग यू विल भी लुकिंग फॉर बाइंग जब स्टेज थ्री में है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन तब आप जाके जो है सारा सेल ऑफ करते हो समझ नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल पर समझा दूंगा आपको डोंट वरी तो ये यहाँ पर थर्टी फिक्स मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं लेकिन क्रिप्टो में इस तरीके से नहीं होगा एल टेल यू के क्रिप्टो में कैसे होगा तो यहाँ पे उसके बाद स्टेज फोर पर जब आते हो तब तो आपको शॉर्ट्स के ढूंढना है एंड स्टेज वन इज आपका साइडवेज मूवमेंट जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते खास कैल्पिंग कर सकते हो लेट मी एक्सप्लेन कि हमने ये कैसे किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए तो सबसे पहले तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो यू डोंट लुक एट फोर आवर्स का चार्ट ठीक है फोर आवर्स के चार्ट को भूल जाओ यू विल ऑलवेज ओनली लुक एट वन डे एंड वन वीक एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइन्स है तो इन लाइन्स को हम करते हैं थोड़ा ऑफ तो एम ए रिबन्स को अभी हम ऑफ कर रहे हैं हम केवल देखेंगे सुपर ट्रेंड को सुपर ट्रेंड को भी आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको ट्रेंड फाइंड करना आता है बट यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए वीडियो के लिए थोड़ा बेटर रहेगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन वीकली टाइम फ्रेम तो हमें दिख रहा है कि दिस इज रेड दिस इज ग्रीन तो रेड होता है हमारा डाउन ट्रेंड या फिर जब मार्केट नीचे जा रहा होता है दिस इज द स्टेज थ्री ट्रेंड दिस इज द स्टेज वन ट्रेंड ठीक है आपको दिख गया यहाँ पे स्टेज किस तरीके से चेंज हो रही है अब ट्रेंड में या तो अप होता है तो डाउन होता है तो स्टेज थ्री स्टेज फोर नहीं है वो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा अब मैं क्या करता हूँ अगर हम वीकली में देख रहे हैं कि एक ट्रेंड हमें मिल गया है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे से ऊपर जाना स्टार्ट कर गए दिस इज़ द सुपर ट्रेंड जो कि ग्रीन हो चुका है एंड ये यह यहाँ पे ग्रीन कब हुआ था इट वॉज ग्रीन इन सिक्सटी जैन को ये ग्रीन हुआ था एंड अगर हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएँ तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन होगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्ले करते हैं ठीक है ठीके? ऐसा नहीं होता है कि ये थोड़ा डिले कर रहा है या फिर हमें चांस ही नहीं मिलता ये सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं थोड़े डिलेड इंडिकेटर्स होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कब ये जो है ग्रीन होगा एंड दैट बिकम्स योर चेंज सिग्नल तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो गया इसके बाद हम इसको प्ले करते हैं यू कैन सी ये कम्प्लीटली ग्रीन है एंड पूरे टाइम ऑलमोस्ट ग्रीन ही रहता है इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि पूरे एक साल का रिप्ले कौन देखेगा तो so, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ये ग्रीन ही रहा है जब तक आपका वीकली ट्रेंड एक टाइम से है ऐसा नहीं है कि अभी दस मिनट पहले ये ग्रीन हुआ है तो मैं आप सवार आप ऐसा लगा दूंगा यू नीड टू वेट जैसे आप देख रहे हो कि ये ग्रीन हुआ ट्रेंड इसका सही है स्टेबल ट्रेंड आ गया है देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू बायस राइट तो यहाँ पे आपकी बायस होगी कि शॉर्ट करना है शॉर्ट करना है शॉर्ट करना है यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन हो गया देख करना स्टार्ट, कर दो, वेट करो मार्केट को थोड़ा चेंज होने का, अपना बायस को थोड़ा चेंज होने का। जैसे ग्रीन हो गया देन नाउ यूर बायस है लुकिंग फॉर लॉन्ग अब बीच में ऐसा भी होता है कि फेकआउट होते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि यहां पर ग्रीन था मार्केट इसके बाद यहां पर रेड हो गया एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये फिर से ग्रीन हो गया तो ये बहुत ही क्विकली चेंज हुआ है दिस इंडिकेट स्टेज थ्री जब हमारा मार्केट है फ्लिप करने वाला होगा राइट right? तो ये स्टेज थ्री आपका इंडिकेट करता है इससे बेटर तरीका है सो so, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप इस हम डेली चार्ट को देखें तो हमारे पास जो है यहां पे वीकली चार्ट ग्रीन हो गया इसके बाद यहां पे एक डंप आया अब हम डेली चार्ट्स को देख रहे हैं अगर डेली चार्ट यहां पे ग्रीन है एंड वीकली चार्ट भी ग्रीन है दैट मींस यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग उस टाइम पे आपको शॉर्ट्स नहीं देखने अगर यहाँ पे हमारा डेली चार्ट जो है रेड होने लग जाता है देन यू कैन टेक अ ब्रीदर देन यू कैन लुक एट अदर थिंग्स कि हाँ भाई अब ये रेड हो रहा है तो पहले डेली रेड होगा उसके बाद ही वीकली रेड होगा तो जिसका मतलब है कि हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए एंड वी वीड वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट अदर फैक्टर्स जो क्या होंगे मैं अभी डिस्कस करता हूँ तो हम यूजली क्या पैटर्न फॉलो करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग राइट अब अगर हम वापस जाते हैं स्टेज पे तो स्टेज पे आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है सीधी लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है इट इज़ ऑलवेज मेकिंग हायर हाईज देन हायर लोज हायर हाईज हायर लोज तो हायर हाईज इज वेयर यू बुक प्रॉफिट्स एंड हायर लोज इज़ वेयर यू बिल्ड अ न्यू पोजिशन अगर आप मेरा यहाँ पे चार्ट देखोगे तो यू कैन सी इन थ्री मंथ्स टाइम फ्रेम कि हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे थे वी मेड अ हायर हाई देन वी मेड अ हायर लो यहाँ पे मैं पोजिशन बिल्ड करता हूँ देन वी मेक अ न्यू हायर हाई मे का न्यू हायर लो फिर वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ प्रॉफिट बुक करें फिर हमने यहाँ पे नई पोजिशन बिल्ड करी एंड सो ऑन इस तरीके से ही है अगर हम हिस्ट्री ही देखें तो करेंटली बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है इट इज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फोर डॉलर कल हमारा प्राइस जो है फोर्टी एट फोर्टी नाइन के टच किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटीन आवर्स अगो आई हैव सोल्ड माई बिटकॉइन एट फोर्टी एट टू हंड्रेड फोर्टी एट टू हंड्रेड इस जगह पे मैंने यहाँ पे सेल ऑफ किया है एंड अगर हम लोकल टॉप देखते हैं बिटकॉइन का तो इट वाज 48900 तो हम प्रेटी क्लोज थे उसके तो इस तरीके से हम रजिस्टेंसिस पे प्रॉफिट जो है बुक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से आई दिस वाज दी रेजिस्टेंस जो कि इसको लेके गई है नीचे यहाँ पे भी बिटकॉइन ने फोर्टी पे जो है नीचे जाना मूव किया था तो यहीं इसी रेजिस्टेंस को हमने टैली करके फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करी अब हमने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर दी है अब डेली में भी हम ग्रीन है वीकली में भी हम ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है दैट आई विल स्टार्ट मेकिंग पोजिशन तो यहाँ पे आप देखोगे आई हैव स्टार्टेड मेकिंग पोजिशन तो बिटकॉइन का एक बाय हमने किया फोर्टी फाइव एट नाइनटी वन में थोड़े हमने प्रॉफिट्स बुक करे क्योंकि इथेरियम में इतना बड़ा डंप नहीं आया था हमारी पोजिशन के हिसाब से एंड राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर सम सम्ड कॉइंस टू पुल बैक ऑल्ड में इतना बड़ा पुल बैक नहीं आया है कि आई मे स्टार्ट मेकिंग न्यू पोजिशन तो जैसे पोलका डॉट है तो पोलका डॉट के चार्ट में यू कैन सी दैट हम इस रेजिस्टेंस से नीचे आए एंड नाउ वी आर एट द बॉटम एंड सपोर्ट के पास आतेवन पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट नाइन फाइव पे आई विल एड टू दैट पोजी ठीक है क्योंकि हमारे पास वीकली ट्रेंड जो है पॉजिटिव है तो हमें पता है मार्केट मूव अप इन द लार्जर टाइम फ्रेम एंड डेली पे भी हमें पता है दैट मार्केट विल मूव अप तो उसका मतलब है कि हमारा बायस वहाँ पे हो सकता है दिस इज नॉट अबाउट फोर आवर्स पे हर मिनट क्या हो रहा है मार्केट में ये प्रोडक्ट करना दिस इज नॉट फॉर हाई लेवरेज रेट्स दिस इज फॉर पीपल जो पार्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हैं दे डोंट हैव द टाइम टू स्टे इन द मार्केट ऑल द टाइम उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है क्या है हम सपोर्ट के पास आ रहे हैं तो दिस विल बी अवर लास्ट पोजिशन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है देन आई एल स्टार्ट कटिंग माई पोजिशन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड जो है चेंज हो गया क्योंकि अगर आपने जो है पोजिशन बिल्ड करनी स्टार्ट करी राइट यू स्टार्टेड बिल्डिंग पोजिशन एंड यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो गया तो फिर आपका तो लॉस हो जाएगा राइट right? तो उसके लिए हम फिर देखते हैं एग्जॉशन पैटर्न्स तो ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं अगर हमें डबल टॉप हेड एंड शोल्डर्स बियरिश राइजिंग वेज बेरिश एक्सपेंडिंग वेज बियरिश ट्रिपल टॉप ये सब देखने को मिलता है ऑन डेली या वीकली टाइम फ्रेम्स एंड हम इसका ब्रेक डाउन देखते हैं तब हम अपनी पोजिशन रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ही वीकली में ट्रेंड चेंज हो जाता है आफ्टर विटनेसिंग दीज इन डेली टाइम फ्रेम देन वी डेफिनेटली गेट आउट ऑफ द मार्केट वहाँ पर हमें जो लॉस होगा वी टेक दैट लॉस एंड वी गेट आउट ऑफ द मार्केट एंड वी वेट एंड सी कि क्या मार्केट का स्टेज यहाँ पर चेंज हो गया है अगर मार्केट का स्टेज वहाँ पर चेंज हो जाएगा दैन वी कैन रिकवर दैट लॉस बाय शॉर्टिंग द मार्केट तो आपको वो लॉस लेने के लिए तैयार रहना है जैसे कि मेरा ये वाला पोर्टफोलियो तो आई एम एट ट्वेंटी

की लिक्विडेशंस तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन अभी इस तरीके से चल रहा है शॉर्ट्स जो है इंक्रीज़ हो गए हैं एंड लॉन्ग्स जो हैं डिक्रीज़ हो गए हैं इसका मतलब क्या है दैट मार्केट में एक अपसाइड मूव आने वाला है अगर हम कल का चार्ट यहाँ पे देखते हैं कल ये किस तरीके से दिख रहा था तो दिस वॉज द तो चार्ट जब हमारा प्राइस जो है 48 के आसपास आ गया था शॉर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे लॉन्ग्स टू मच हो गए थे तो इसके कारण डेफिनेटली मार्केट ने डंप करना था दैट्स वाई वी स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स देयर तो जब भी लिक्विडेशन एक साइड सुपर हैवी हो जाए मार्केट का सेंटीमेंट एक साइड ज्यादा हो जाता है तो फिर मार्केट में अपोजिट मूव आता है रीजन बींग की ये लॉन्ग्स एंड ये शॉर्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं लिक्विडेट करने एक्सचेंजेस के लिए क्योंकि अगर बहुत सारे लोग शॉर्ट हैं एंड मार्केट में क्रैश आ जाता है तो एक्सचेंज का तो दिवाला निकल जाएगा ये चीज़ आपको याद रखनी है तो लिक्विडेशन मैप स्टेज रिवर्सल पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी एंड यू कैन मेक रिटर्न लाइक दिस फोर हंड्रेड डॉलर से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर इट्स इजी जस्ट यू नीड टू इनवेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड यू नीड टू हैव अ प्लान की ये मेरा रजिस्टेंस है ये मेरा सपोर्ट है या मैं एंट्री लूंगा या मैं एक्जिट लूंगा यू जस्ट टेक द इमोशन आउट ऑफ द गेम सो होपली इट टॉट यू समथिंग अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू वॉन्ट टू लर्न मोर यू कैन बाय दिस बुक दिस गायज मेड मोमेंटम इन्वेस्टिंग फेमस एंड इस बुक के थ्रू जाओगे तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस स्ट्रेटी के ये क्रिप्टो में वर्क करती है exactly 100 आप स्टॉक की स्ट्रेटेजी को क्रिप्टो में नहीं ला सकते हो आपको और भी फैक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं बट मोटा मोटा ये आपको सिक्स एक्स नहीं तो कम से कम टू थ्री एक्स रिटर्न देगी स्पेशली इन द करंट मार्केट जब वॉल्यूम अच्छी है so करोगे तो डू लेट मी नो इन दॉमेंट मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब यू है इन द नेक्स्ट कैश से हैश मुझको चाहती स्ट्रांग नीड ना ले कैश द सेज ये मुझे याद नबी की रात और कल की बात मेरी बला से सारे पहुंचे भार ये